हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय अंजलि ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज है 14 जनवरी और आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। आप लोग के जिंदगी में पतंग की ऊंचाइयों की तरह खुशियां आगे से आगे बढ़ते ही रहे और गुड़ और तिल की मिठास आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहे, यही शुभकामनाएं के साथ आज का दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये है हमारे पापा और किट्टू है पीछे हमारी। किट्टू अपना ड्रेस दिखा दो, एकदम कैसे लग रहे हैं? इधर दिखाना बस। हम लोग अब सुबह का नाश्ता लेके बैठे हैं। सुबह हम लोग के यहाँ दही और चूड़ा का नाश्ता किया जाता है और उसके बाद ही खिचड़ी बनती है। तो हम लोग की खिचड़ी अभी नहीं बन रही है, अभी हम लोग इसी का नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता वास्ता करके थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, जब भूख लगेगी तो बन जाएगी। खिचड़ी बनने में कितना टाइम लगता है। किट्टू मस्ती कर रही है नानू के साथ अपने। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम, बताइएगा जरूर कमेंट करके। बोलो कह दो हैप्पी खिचड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। क्या बात कर रही है, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे अच्छे से, है ना? ये फारसी में बात करती कभी कभी, है ना किट्टू? हाँ, फारसी में बात करती, लेकिन मेरे डॉक्टर टुटू का जब हम फारसी से बात करेंगे ना। और पतंग उड़ेगा कि नहीं आज? पतंग, हाँ किट्टू बहुत एक्साइटेड है पतंग उड़ाने के लिए। और मेरे पतंग में बनेगा फिश। फिश? अच्छा फिश वाला पतंग उड़ेगा? हाँ, फिश वाला। अच्छा, मेरे दादा बहुत बढ़िया। ये ठीक है, हम लोग बस यही नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। फिर पूरे दिन हम लोग क्या क्या करते हैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे, बने रहेगा इसी वीडियो में, कहीं जाइएगा नहीं। धूप ना होने की वजह से थोड़ा सा डल सा लग रहा है। धूप रहता तो सब अपने छत पे रहते और सब काट उड़ाते। और ये देखिए मेरी मम्मी ने कितना अच्छा प्लांटेशन यहाँ पे किया हुआ है फ्लावर्स का, और ये देख के तो दिल खुश हो जाता है सुबह सुबह। ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, उनको प्लांटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है उनको। तो वो हर तरीके का फल है, फूल है, जो भी उनको मिलता है वो गमले में लगा देती हैं और अच्छे से केयर भी करती हैं। ये नहीं कि बस लगा के छोड़ दिया, केयर करते हैं सुबह शाम, उसकी गुड़ाई करना, उसको कब पानी देना है, कब उसको क्या करना है, सब उनकी जानकारी है और करती भी है। तो बस मैं छत पर आई थी कपड़ा डालने, कपड़ा सूखेगा तो नहीं मे भी, क्योंकि बहुत मौसम हॉटस्पॉट है। तो बस मैं आई हूँ और ये है मेरी ड्रेस, कैसी लग रही है बताइएगा जरूर आप लोग। ये ड्रेस मुझे याद नहीं आ रहा है, अच्छा बनी या कब का है मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा है। रेड कलर का है ये और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सिंपल सोवर है, पूरे ऐसे प्लेन है पूरा, और यहाँ पे थोड़ा सा बटन लगे हुए हैं। इसके दुपट्टे की वजह से मैंने ये सूट लिया था, मुझे दुपट्टा इसका बहुत अच्छा लग रहा था तो ऑनलाइन लिया था मैंने। दुपट्टे की क्वालिटी मैं जैसे देख रही थी पिक में तो उतनी अच्छी तो मुझे नहीं रिसीव हुई है, बट ये जो सूट का कपड़ा है, जो कुर्ता है, ये इसका कपड़ा अच्छा है, इसका मटेरियल अच्छा है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन ये दुपट्टा वही वाला है बस। तो बस हम लोग अब चल रहे हैं नीचे और कुछ देर में हमारे यहाँ खिचड़ी बनेगी। क्या हो रहा है आप लोग, क्या खिचड़ी बनी कि नहीं? बहुत लोग 15 को मना रहे हैं, बहुत लोग 14 को मना रहे हैं, बट हम लोग 14 को ही मना ले रहे हैं, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं अब मैं जा रही हूँ खिचड़ी बनाने। ये खिचड़ी मसाले वाली होती है, इसमें आलू है, गोभी है, मटर है, और भी सब्जियाँ आप ऐड कर सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। और यहाँ पे चावल धुल के अच्छे से रख दिया है मैंने, अब इसमें मैं उड़द का दाल डाल रही हूँ। इस खिचड़ी के दिन उड़द का जो दाल होता है उसके साथ चावल को धुला जाता है, फिर उसकी खिचड़ी बनती है। और यहाँ पे देखिए हमारे मसाले जितने पड़ने हैं खिचड़ी में वो सब मैंने यहाँ रख लिया है। सब्जी मसाला पाउडर है, हल्दी है, जीरा है, रेड चिली पाउडर है, और यहाँ पे लहसुन, धनिया, मिर्च, अदरक, प्याज, सबका पेस्ट मैंने अच्छे से बना लिया है और इसको अच्छे से पीस लिया है। और यहाँ पानी मैंने गर्म करने के लिए रख लिया। ये पानी मैं कहाँ यूज करूँगी मैं बाद में बताती हूँ आपको। और ये है तेज़पत्ता, और हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। मैं आज भगोने में ही बनाने जा रही हूँ, और स्लैब में मैं खड़ी होकर नहीं बना रही, मैं इसको गैस को नीचे उतार ली हूँ मैंने, गैस चूल्हा को अच्छे से बनाऊँगी बैठ के। और ये है गरम मसाला जो कूट के भून के घर पे ही तैयार किया है मैंने, तो इसको थोड़ा सा ऐड करूँगी, इससे स्वाद अच्छा आता है। और तेल मेरा हो गया है गर्म, अब मैं इसमें
तेज पत्ता डालने जा रहे थे तो किट्टू बोली मैं डालूंगी, मैं सोची जल ना जाए, लेकिन फिर भी जिद करने लगी तो एक तेज पत्ता वो डाली, उसके बाद सारे मैंने डाला है। तो एक खिचड़ी में किट्टू का भी पूरा योगदान है। और ये देखे सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाया वो इसमें ऐड कर दी हूँ गीले मसाले में। अब मैं इस मसाले को इसमें डालूंगी, ये देखिए डालते हुए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ कि फ़ोन मेरे हाथ में है, एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो रिकॉर्डिंग करने मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और कोई मेरे पास था नहीं तो मैं किसी को दे नहीं सकती थी। तो ये देखिए मसाला मेरा अच्छे से भुन रहा है, ये तेल अलग हो गया इससे अच्छे से। कुछ देर मैं इसे ढक के पकाऊंगी मसाले को। मसाला जितना अच्छे से पकता है उतना अच्छा ही फ्लेवर और टेस्ट आता है। और ये देखिए हमारा मसाला पक गया है अच्छे से। अब मैं इसमें जो भी कटी हुई सब्जियां हैं वो ऐड करके भूनूंगी अच्छे से। आप लोग सोच रहे होंगे कि चार लोगों के लिए इतना बड़ा ये भगोना चढ़ाई हुई है, तो आपको बता दूं कि मेरे पड़ोसी कुछ लोग हैं जो घर नहीं जा सके हैं, उनकी छुट्टी नहीं थी, तो मैं उन लोग के लिए भी टहरी बना रही हूँ, क्योंकि भाई त्यौहार सबके साथ ही अच्छा लगता है, अगर हम लोग खाएँ और कोई ऐसे ही पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता। तो सबको मैंने इन्वाइट कर लिया है खिचड़ी के लिए, तो उन सब के लिए भी बन रहा है, ये 7 से 8 लोगों के लिए बन रहा है। इसे अच्छे से मैं मसाले में मिला दूंगी ऊपर नीचे करके, और फिर एक बार ढकूंगी इसे। इसे जितना ढक ढक के पकाएंगे उतना ही अच्छा लगता है। ये देखिए ये अच्छे से मसाले में अब मिक्स हो गया है, और इसको काफ़ी देर तक मुझे भूनना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, मसाले में मिक्स हो गया अच्छे से ये। अब मैं इसे कुछ देर के लिए फिर से ढक दूँगी, फिर चावल डालूँगी। ये देखिए उसके बाद मैंने चावल को भी ऐड कर दिया है इसी में, और इसको भी मैं कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी। जब हल्का हल्का सा ये पेंदी में लगने लगेगा तब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। इसको भी फ़िलहाल ढक दे रही हूँ मैं। और ये देखिए चावल मेरा अच्छे से भुन गया है मसालों के साथ, और सब्जियाँ भी अच्छे से भुन गई हैं। अब मैं ये जो गर्म पानी रखी हुई थी वो डालूँगी, क्योंकि गर्म पानी डालने से ये जल्दी पक जाएगा। ये देखिए अब मैं इसमें पानी ऐड कर दे रही हूँ, और चावल के अकॉर्डिंग पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें ये देखिए अच्छे से मैं इसको ऊपर नीचे करके चला दे रही हूँ। अब मैं इसमें नमक डालूंगी स्वादानुसार नमक, मैं यहाँ सेंधा नमक का यूज कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो कोई भी नॉर्मल नमक डाल सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसमें इसको ढक दूंगी पकने तक, जब तक ये पक नहीं जाता और पानी इसका सूख नहीं जाता तब तक ये पकेगा। और ये देखिए मैं एक टहरी बन के तैयार हो गई, उसमें खूब ढेर सारा देसी घी डालिए और कुछ देर के लिए ढक दीजिए। इस तरीके से बनाइए, खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और ये देखिए थाली में निकल भी गया है खाने के लिए, किट्टू यहाँ शुरू भी हो गई हैं, और जो टहरी बनी थी खिचड़ी टहरी जो भी, इतना टेस्टी था कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ मिक्स अचार मैं लेके बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा ही अचार लूँगी, कटोरी में ऐसे ही निकाल दिया था मैंने। अब हम लोग इंजॉय करने जा रहे हैं, आप लोग भी आइए। हाँ उल्टा सेको सीधा सेको उल्टा भी सेको। किट्टू सिखा रही हो क्या नानी को ये कैसे हाथ सेका जाता है? उल्टा सेको सीधा सेको। और यहाँ पे देखिए आप लोग जो हमारे घर काम करने आती हैं, बर्तन धुलने आती हैं आंटी, उनके साथ बैठ के आग में ये हाथ सेक रही है और उनसे खूब बात किए जा रही हैं। उनको नानी बोलती हैं तो नानी ये नानी वो मस्ती कर रही थी, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं सोची रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखा दूँ। तो ये तो था मेरा आज का मकर संक्रांति ब्लॉग। थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त मांगती हूँ मैं।